न्यूज SBN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा। कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिल ही गए, मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ पर 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली, लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले से आखिरकार सोनिया गांधी नाराज क्यों हो गई? ऐसा क्या कह दिया यहाँ पर खड़गे ने? आपको बता दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर गांधी परिवार को लेकर कुछ ऐसा फैसला किया है जिसको सुनकर यहाँ पर सोनिया गांधी एक जनसभा के दौरान भड़कती नजर आई। आखिरकार ऐसा क्या कहा, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब यहाँ पर अपने विचारों से चलेंगे, अपने विचार से कांग्रेस पार्टी को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी पर सिर्फ गांधी परिवार का हिस्सा वो था, गांधी परिवार के विचार से पार्टी चल रही थी, लेकिन अब एक गैर गांधी चेहरा इस पार्टी को चलाएगा तो देखिए गांधी परिवार को कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, और वो दिक्कत होनी अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी परिवार को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर यहाँ पर सोनिया गांधी के होश उड़ गए। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता नजर आया है। हालांकि राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि आपका कौन सा पद है पार्टी के अंदर, तब उन्होंने ये कहा कि ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे, लेकिन अभी तक खड़गे ने क्यों तय नहीं किया कि राहुल गांधी यहाँ कांग्रेस पार्टी में किस पद पर है। आपको जरूर बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में कि आखिरकार यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसको सुनकर यहाँ पर जो सोनिया गांधी है उनके होश उड़ गए। सोनिया गांधी यहाँ भड़कती नजर आई, सोनिया गांधी यहाँ काफी ज्यादा फटकार लगाती नजर आई। क्या ये शुरुआत हो चुकी है कि गांधी परिवार को लेकर अगर कोई नया चेहरा आया है यहाँ पर जो गैर गांधी परिवार से है और वो गांधी परिवार को लेकर कुछ कहता नजर आया, क्या आगे भी यही सब कुछ देखने को मिलेगा? क्या इन सब चीजों की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे इस पद को छोड़ सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा SBN9 न्यूज। धन्यवाद।